मित्रों, मेरी तरफ से आप सबका स्वागत है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनल कॉन्फ्रेंस इस दिल्ली में हो रही है, जिसके बारे में कि अभी आपको जानकारी डीजीपीआईबी ने दी है। मैं कुछ डिटेल में इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहूंगा। 2015 में जापान के संडई में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वह डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर ही वह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस उसे कहा गया, उसमें सेंडई फ्रेमवर्क एडॉप्ट किया गया था उस कॉन्फ्रेंस में। और सेंडई फ्रेमवर्क 2015 पोस्ट 2015 के डेवलपमेंट एजेंडा का फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है, जिसने डिजास्टर रिस्क रिड्यूस करने की दिशा में टारगेट्स एवं प्रायोरिटी एक्शन एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के एडॉप्शन के बाद यह पहला मुख्य इंटर गवर्नमेंटल इवेंट है। यह 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक चलने वाला है और यह कॉन्फ्रेंस एशियन रीजन में इस फ्रेमवर्क के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक नया रास्ता निकालेगा। यह कॉन्फ्रेंस सेंडई फ्रेमवर्क के प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म क्या होना चाहिए यह भी तय करेगा। और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस का इसलिए महत्व है कि कहीं पर नेचुरल डिजास्टर हो अथवा मैन मेड डिजास्टर हो, तो कुछ डिजास्टर इस नेचर के होते हैं कि अकेले कोई कंट्री उसके चैलेंज को मीट आउट नहीं कर सकती, कई देशों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो देश इस डिजास्टर को चेक करने के लिए, डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए जो भी मदद कर सकते हों वह करें, इस सोच के साथ इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। और जैसा डीजीपीआईबी ने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ऑन डिजास्टर रिडक्शन के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। और यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रकार की एक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2007 में हो चुकी है, लेकिन जितनी कंट्रीज का पार्टिसिपेशन और जितने डेलीगेट्स का पार्टिसिपेशन इस बार की कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है। इसमें 61 कंट्रीज फ्रॉम एशिया एंड द पैसिफिक से पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित की गई है, जिसमें कि 41 कंट्रीज का कंफर्मेशन प्राप्त हो चुका है और 41 कंट्रीज के मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 डिप्टी पीएम मंगोलिया और नेपाल वह भी पार्टिसिपेट करेंगे और हेड्स ऑफ डेलीगेशंस वह लगभग 5 हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त 4000 पार्टिसिपेंट्स के शामिल होने का अनुमान है, जिनमें 1100 यानी 1100 जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स होंगे। अब 4000 पार्टिसिपेंट्स की जो मैंने बात कही है, उसमें जिनको इनवाइट किया है हम लोगों ने अपनी कंट्री से, उसमें चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, चीफ सेक्रेटरीज भी हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको भी इनवाइट किया है, मेयर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायतें उनके अध्यक्ष हैं,
जिला परिषद के अध्यक्ष जिन्हें कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के भी मेंबर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की भी जो कमेटी है उसको भी हम लोगों ने इनवाइट किया है। एनजीओ जाएंगे, बहुत सारी सोशल सोसाइटीज भी भाग लेंगी और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वह भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स जिनके भाग लेने की संभावना है उनका नंबर लगभग 4000 है। की आउटकम्स ऑफ द इवेंट, उसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं, इसके की आउटकम्स क्या है। एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा जिसे हम कहेंगे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, दूसरा एशियन रीजनल प्लान, और एशियन रीजनल प्लान का मतलब एशिया पैसिफिक में संडई फ्रेमवर्क के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक रोडमैप का आउटलाइन देने वाला टेक्निकल डॉक्यूमेंट, वह भी रिलीज होगा यहां से। और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर संडई फ्रेमवर्क के इंप्लीमेंटेशन में शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी की दिशा में स्टेक होल्डर्स की क्या प्रतिबद्धताएं होंगी, क्या उनके कमिटमेंट्स होंगे, इस संबंध में भी हम लोग डिसीजन करेंगे। यह सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है कल से और हमारे प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे 9:30 बजे। तीन और चार नवंबर को तीन मिनिस्ट्रियल सेशंस होंगे और 3-4 नवंबर को तीन फीचर्ड इवेंट्स भी होंगे जिसकी चेयरमैनशिप भारत के पास होगी। वह तीन फीचर्ड जो इवेंट्स हैं उसकी जानकारी आपको मैं देता हूं। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सेशन इस पर होगा। दूसरा सेशन होगा न्यू रिस्क के प्रिवेंशन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। तीसरा होगा रीजनल कोऑपरेशन। तीन चार नवंबर को 6 टेक्निकल सेशंस भी होंगे। पहले सेशन का इशू है अंडरस्टैंडिंग रिस्क, इसको चेयर करेगा इंडोनेशिया। दूसरा टेक्निकल सेशन रिस्क गवर्नेंस पर होगा जिसको चेयर करेगा बांग्लादेश और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन। और तीसरा होगा टेक्निकल सेशन इन्वेस्टिंग इन रेजिलियंस, यह मंगोलिया चेयर करेगा। और चौथा होगा प्रिपेयर्डनेस रेस्पॉन्स ऑब्लिक बिल्ड बैक बेटर, यह जापान चेयर करेगा। पांचवा होगा मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, यह थाईलैंड चेयर करेगा। और छठा जो होगा कोहरेंस विद FDGs क्लाइमेट एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया चेयर करेगा। इसमें 22 थीमेटिक इवेंट्स होंगे। एक कार्यक्रम गवर्नमेंट और एनजीओज, एकेडमिक्स तथा अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा लीड किए जाएंगे। इकोसिस्टम पर आधारित डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिस्क एसेसमेंट्स, एजुकेशन में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
यूएन सिस्टम कोहरेंस, लोकल लेवल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, विरासत तथा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिस्क फाइनेंसिंग, डिजास्टर डाटा आदि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। तीन और चार नवंबर तक जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, इन कार्यक्रमों में कुल 22 कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि 18 कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी होगी। और 5 नवंबर को क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जो कि क्लोजिंग सेरेमनी वो मेरी चेयरमैनशिप में होगी। और यह भी मैं जानकारी देना चाहता हूं आपको कि एक पेंटिंग कंपटीशन भी होगा, जिसमें कि 18 राज्यों से लगभग 50 स्कूली छात्र, जिनकी आयु 10 से लेकर 14 वर्ष के बीच की होगी, शामिल होंगे। इसमें हमारे गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा इस कंपटीशन के विजेताओं के लिए 3 विजेताओं को पुरस्कार एवं 3 अन्य को सांत्वना पुरस्कार, कंसोलेशन प्राइज ये दी जाएगी। फिल्म फेस्टिवल, 52 ऐसी 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की फिल्म्स हैं, और प्रत्येक वर्ग में 3 इसके विनर्स जो होंगे, DRR पर पॉजिटिव ह्यूमन इंपैक्ट डालने वाली जो जिनकी फिल्म्स होंगी, विकास हेतु DRR, क्लाइमेट चेंज के प्रति एडाप्टेशन आदि विषयों पर फिल्मों का जो प्रदर्शन होगा, उसमें जो 3 विनर्स होंगे उनको प्राइज दिए जाएंगे। और DRR पर एग्जीबिशन भी होगा, DRR के कार्य में बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी इस एग्जीबिशन के माध्यम से दी जाएगी। इसमें PSUs, DRDO, ISRO, NDRF, UN bodies, foreign governments, private organizations, ये सभी इसमें भाग ले रहे हैं। और आम जनता के लिए भी यह एग्जीबिशन 3, 4 और 5 नवंबर को शाम के समय, यानी 3 और 4 नवंबर को 6 बजे से 8 बजे तक, और 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक यह खुला रहेगा। आम जनता भी जा सकती है और एग्जीबिशन वहां पर देख सकती है। यह कल से होने वाले इस इंटर मिनिस्ट्रियल एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के संबंध में आपको ब्रीफ में मैंने जानकारी दे दी है। अभी संबंध में यदि कोई आप जानकारी चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर सर। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। सो 199, यू आर द वन हु आस्क्ड फर्स्ट। सर, पाकिस्तान से भी कुछ लोग आ रहे हैं क्या कॉन्फ्रेंस में? मानेंगे नहीं आप। एक सेक्रेटरी आ रहे हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी आ रहे हैं। ठीक है अरुणिमा। सर, अवे फ्रॉम दिस डिजास्टर कॉन्फ्रेंस, वन मोर डिजास्टर इज अनफोल्डिंग हियर इन दिल्ली। यहाँ हूँ सर अरुणिमा, 23rd जी। एक डिजास्टर यहाँ आरएमएल हॉस्पिटल में भी अनफोल्ड हो रहा है सर। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया को डिटेन कर लिया है ओआरओपी के मुद्दे पर। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। आप गृहमंत्री हैं, दिल्ली पुलिस आपको रिपोर्ट करती है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उस रिस्क रिडक्शन के लिए जो कुछ भी करना होगा यहाँ की यह पुलिस करेगी। ये सर, बड़ी कंट्रीज लाइक USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इस तरह की भी देश इसमें भाग ले रहे हैं। और दूसरा सर, मैं सर इधर हूँ, ये डिजास्टर इंक्लूड्स व्हाट टाइप ऑफ आइटम सर, लाइक अर्थक्वेक्स या सब प्रकार के? सब प्रकार के, मैंने कहा नेचुरल और मैनमेड,
हर प्रकार के डिजास्टर इसमें. एंड व्हाट अबाउट द बिग कंट्रीज लाइक यूएसए यूके कहीं पर सब सभी नहीं, नहीं, वो आ रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, यह तो मैंने कहा एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस, एशियन कॉन्फ्रेंस, एशियन रीजनल एशियन. ओके सर. अच्छा, और रशिया और अमेरिका इसमें इन्वाइटेड हैं, आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्फ्रेंस. या 260 प्लीज. या सर, राजनाथ जी, राजेश हिंदुस्तान टाइम्स से. जी जी. राजनाथ जी, मैंने सुना है कि आप जल्दी ही उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और वहाँ पे बीजेपी के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं. अरे आप हमसे नाराज क्यों हैं? लेकिन ऐसा क्या चल रहा है? नहीं, वैसे आप लोगों को मैं नाराज नहीं करूँगा, क्योंकि आप अपनी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश में, आपसे बेहतर कौन हो सकता है वहाँ पे? अच्छा, मैं मुझे Nita Bala from Reuters, sir. After Sendai, it was very clear that a framework was needed in place. And India has, India has for many years been working on disaster risk reduction, yet we still see, even in a seismically active area such as Delhi, building codes for earthquakes are not being followed. What is the federal government doing about this? You clarify it. What is this question? I think this is a very good question. And first of all, I would like to say that soon after Sendai, we put in place a National Disaster Management Plan, which was released by Honorable Prime Minister on 1st of June. And that begins to address the kind of issues you're talking about. And the key feature of that plan is that it is not a plan of National Disaster Management Authority or Ministry of Home Affairs. It is for all of us, including the Ministry of Urban Development and all levels of government down to the municipal level, who have the responsibility to enforce the codes for earthquake safety and so on. So yes, we are very serious about it, and we have indeed moved with a sense of urgency after the enactment, after the adoption of the Sendai framework. Yeah, we'll take that. 155. Grih Mantri ji, डिजास्टर से अलग हटकर जो सीमा पर जिस तरह से जो हालात हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार गृह मंत्री इस पूरे मसले को लेकर क्या कर रहे हैं. वैसे मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर्पज से थी, ये पर्पज ही डिफीट कर जाएगा. बहुत मैं तो पहले बोल चुका हूँ इस पर, कई बार बोल चुका हूँ. हिमांशु, आप ये तो पहले ही कह चुका हूँ कि भारत के आन बान शान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने पाएगी, आश्वस्त रहिए. सर, एक प्रस्ताव है जो बहुत लंबे समय से गृह मंत्रालय के सामने है, जो इसका जो इसका क्या कर रहे हैं इसका जवाब पड़ोसी दे देगा. सर, एक प्रस्ताव बहुत लंबे समय से लंबित है गृह मंत्रालय के सामने, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन का. आपने मुझे सेंडई में बताया था कि एनडीआरएफ की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है मंत्रालय में. इस पर आप कितना आगे बढ़ पाए हैं, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अमेंडमेंट का जो प्रस्ताव है और एनडीआरएफ के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का जो प्रपोजल है उस पर? जहाँ तक एनडीआरएफ की स्ट्रेंथ बढ़ाने का सवाल है, उसमें तो प्रोग्रेस हो रही है और बटालियंस फॉर्म हो रही हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कई राज्यों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ की स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस इस्टेब्लिश की जा रही हैं. कानून में संशोधन के बारे में तो अभी हम नहीं कर रहे हैं काम. सर, माननीय गृह मंत्री जी, मेरा सवाल आज के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डीजी साहब ने पहले कहा कि आज के घटनाक्रम से राहुल गांधी जब जा रहे थे आरएमएल, उन्होंने कहा कि ये कैसा हिंदुस्तान है, उनको एंट्री नहीं मिली. दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक चुने हुए उप मुख्यमंत्री को वहाँ पर मिलने नहीं दिया जा रहा, शहीद जो परिजन से मिलना चाहते थे वो जो आत्महत्या करी जिस एक्स सर्विस मैन ने, तो उसके बाद काफ़ी घटनाक्रम उबाल पर है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं बाहर. देखें कि जानकारी हासिल करेंगे.
Sir, this side, sir. 197, sir. Here. Sir, इधर. सर आपको पता होगा भोपाल में जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है उसको लेके क्या आप लोग सर साइन लैंग्वेज नहीं सर उसको लेके क्या गृह मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट मांगी है एमपी पुलिस से सॉरी एमपी गवर्नमेंट से एंड डू यू थिंक दैट इट्स एज जैसे कि वीडियो क्लिप्स दिखा रहे हैं कि वो लाइफलेस बॉडीज में वो शूट कर रहे हैं डोंट यू थिंक इट्स अ ह्यूमन राइट वायलेशन इसके बारे में क्या बोलेंगे ने ऑलरेडी कोई जांच के आदेश दिए हैं सर आपकी सरकार ने आरोपी लागू किया लेकिन आज राहुल गांधी केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार जो है और आपके जो प्रधानमंत्री उनको निशाना साधा और कहा है कि सैनिकों के साथ धोखा किया जा रहा है सैनिक जान दे रहे हैं लेकिन वो आरोपी लागू नहीं किया जा रहा है मैं समझता हूं कि हमारे सैनिकों की जो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है उसको हमारी गवर्नमेंट ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है सर मैं शाहिद अब्बास को एजेंसीज इंफॉर्मेशन सर्विस से हूँ इधर सर मेरा सवाल आपकी इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है आप रिस्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जबकि पूरे देश में खासतौर से दिल्ली और बड़े शहरों में रोज़ ब रोज़ इस हाई राइज बिल्डिंग बढ़ती चली जा रही हैं जिनका नक्शा जो वो एक्चुअली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वाली लिखते हैं लेकिन वैसा होता नहीं है ये एक उनका रिस्क है बहुत बड़ा रिस्क है जो आपके लिए डिजास्टर का है दूसरा पानी की जो बड़ी समस्या है जितनी आबादी बढ़ती जा रही है और ये मैन मेड डिजास्टर जो है तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं क्या इसका कुछ हल निकाला जा सकता है मैं समझता हूँ कि आवश्यक निर्देश इस संबंध में तो सभी राज्यों को एडवाइजरी जो भेजी जाती है वह एडवाइजरी ऑलरेडी भेजी जा चुकी हैं और इस संबंध में प्रिकॉशन लेने चाहिए कुछ नॉर्म निर्धारित हैं कि कैसे भूकंप आने पर भी बिल्डिंग गिरने ना पाए कोई क्षति ना पहुंचने पाए तो ऐसे कुछ सुझाव तो एडवाइजरीज कुछ राज्यों को भेजी जा चुकी हैं पहले से बहुत पहले से गई हैं और कुछ कमल कुछ और बतलाना है इसमें नहीं अर्थक्वेक का रिस्क कम करने के लिए तो हम काफ़ी काम कर रहे हैं एक हमारे यहाँ प्रोग्राम है जिसमें हम जो शहर हैं अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में उनको देख रहे हैं उनमें रिस्क लेवल क्या है अर्थक्वेक जैसे कि सेंदाई फ्रेमवर्क का भी पहला जो पहलू वो ये है अंडरस्टैंडिंग रिस्क और उसके बाद लोकल लेवल पे कैपेसिटी और उसके बाद मिनिस्ट्रीज में कैपेसिटी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में कैपेसिटी इस पर काम हो रहा है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का इसी चीज़ पर जोर है सर मेरा सवाल है कि आपदा प्रबंधन को लेकर इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है खास करके भारत के पूर्वोत्तर के राज्य अभी गृह राज्य मंत्री जी भी पूर्वोत्तर के हैं आपदा को लेके पूर्वोत्तर के राज्य विभिन्न तरह के आपदाओं को लेके ज़्यादा संवेदनशील हैं कई देशों ने आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण देते हैं अलग अलग तरह के प्रशिक्षण हैं विभिन्न कई देश देते हैं इस दिशा में भारत के क्या प्रयास हैं उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए गृह मंत्रालय के जो पूर्वोत्तर के देश हैं पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं हमारे उनकी जो आपदा से वो काफ़ी सेंसिटिव हैं आपदाएं वहाँ आने की संभावना ज़्यादा है भूकंप की खास करके संभावना ज़्यादा है और बहुत सारे जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के वो काफ़ी काम कर रहे हैं अभी नागालैंड सरकार ने वहाँ पे एक सिंदाई फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बनाया अरुणाचल ने बनाया पिछले साल अक्टूबर में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी एक्टिव है मणिपुर काफ़ी एक्टिव है तो पूर्वोत्तर के राज्य इसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है उन राज्यों में वैसे मैं इस संबंध में आपको जानकारी दे दूँ सभी अधिकांश स्टेट्स में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बहुत सारे ज़िलों में बनी हुई है मैं यह दावा नहीं कर सकता कि सभी ज़िलों में बनी है लेकिन बनी है वो सब काम करती रहती है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है सर 35 नंबर लास्ट टू क्वेश्चन यस सर सर यहाँ पर कल एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और आज सुबह जैसे यहाँ पर दिल्ली वालों ने अपनी आंखें खोली बहुत घनी यहाँ पर धुएं की चादर थी और इस पोल्यूशन के लेवल को किस हद तक खतरनाक आप देखते हैं और क्या प्लान ऐसा बन रहा है इसको डील करने के लिए इसको किस हद तक आप गंभीर मानते हैं अब सारी समस्याओं का समाधान आज ही करेंगे है ये चैलेंज है चले लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे मैं इससे सहमत हूँ
सर ये मैं बॉर्डर सिक्योरिटी पे फिर आपका ध्यान सर सिविलियंस की डेथ हो रही है इस बार ये काफ़ी सीरियस इशू है बिकॉज अभी तक वो जवानों पर ही फायर कर रहे थे अभी वो सिविलियंस को मार रहे हैं इस सिलसिले में क्या हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी और इसका वहाँ से डिस्प्लेसमेंट का भी और वहाँ पे गांव इवैक्यूएशन का भी प्लान आपने रिवाइज किया है इसके चलते हाँ इस संबंध में संबंधित मुख्यमंत्रियों से हमारी बात हुई है और यहाँ तक स्ट्रेटजी का सवाल है स्ट्रेटजी होती है और आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेटजी कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती है हमारा सवाल गृह मंत्री जी से है सर ये जो 3 दिन का ये जो कार्यक्रम होगा जिसमें काफी देश के लोग भाग ले रहे हैं यहाँ से इस कार्यक्रम से दुनिया को किस तरह का मैसेज मिलेगा और सर एक सवाल ये कि दिल्ली में आए दिन भूकंप की घटनाएं हो रही हैं एक महीने में एक या दो बार दिल्ली हिलती है इसके लिए कुछ क्या कुछ किया जा सकता है पहली बात ये कॉन्फ्रेंस से क्या संदेश मिलेगा देखिए सेंदाई फ्रेमवर्क 15 साल का फ्रेमवर्क है और इस कॉन्फ्रेंस से हम एक सेंस ऑफ अर्जेंसी 15 साल का फ्रेमवर्क है इसका ये मतलब नहीं कि हम 15वें साल में काम करें 2 साल में क्या क्या काम होने चाहिए 4 साल में क्या काम होने चाहिए 6 साल में क्या काम होने चाहिए माइलस्टोन्स हमारे 15 साल के दौरान क्या होंगे ये निर्धारित करेंगे और देशों के साथ मिलकर के और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी उसमें लाने की कोशिश करेंगे तो यही संदेश रहेगा कॉन्फ्रेंस का और जहाँ तक भूकंप का सवाल है ये सवाल पहले आया था और मैंने जवाब दिया तो